मैंने इब्राहिम को रेडी किया है तो कह रहे हैं, कह रहे स्लीव्स डाउन, मेरे स्लीव्स नीचे कर दे, मेरी शेम शेम हो रही है। बेटा आपकी शेम शेम नहीं हो रही है, देखो बाबा की भी तो ऐसे ही, बाबा ने भी हाफ स्लीव्स। अच्छा मैं आपको देता हूँ, मैं आपको देता हूँ। अब इब्राहिम ने ये वाली शर्ट पहनी है तो इसको सुकून आया है, हाफ स्लीव्स शर्ट नहीं पहननी है, फुल स्लीव्स पहननी है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी अभी हम जा रहे हैं ट्राईपोड स्टैंड लेने। एक्चुअली जब लास्ट टाइम गए थे वॉल माउंट लेने, तब भी हमने वहाँ पे ढूंढा था, बट जो था वहाँ पे उसकी हाइट बहुत कम थी। तो हम राहील ने अभी कोई और शारजा में एक शॉपिंग सेंटर है वहाँ देखा था, तो हमने सोचा कि आज जाते हैं और ट्राईपोड स्टैंड लेके आते हैं। और जी यहाँ पे बड़ी गर्मियाँ हो गई हैं, बट इब्राहिम ने एक ही ज़िद पकड़ी हुई है कि मैंने हाफ स्लीव शर्ट पहननी नहीं है, और मेरे पास इसके जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो सब हाफ स्लीव्स हैं। बड़ी मुश्किल हुई हुई है आजकल। ये देखें जी, ये स्टैंड हमें पसंद आ रहा है। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है सही है, हाइट भी ठीक लग रही है। मुझे सिर्फ ट्राईपोड स्टैंड चाहिए था, रिंग लाइट नहीं चाहिए थी, बट वहाँ पे जितने भी स्टैंड थे वो रिंग लाइट के साथ थे, जो सिंपल ट्राईपोड स्टैंड होता है वो था ही नहीं। तो फिर राहील ने कहा कि तुम रिंग लाइट के साथ ही ले लो ताकि ये वाला काम भी ख़त्म हो। और इब्राहिम ने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया है, ट्रॉली पकड़ के घूमने वाला। ये हैं दो स्टैंड, तो अभी देखते हैं इसको ऑन करवा के किसकी लाइट ज़्यादा सही है। और कुछ वहाँ पे भी हैं, उधर हैं, और यहाँ पे हैं कुछ कैमरा स्टैंड और मोबाइल होल्डर्स, रिंग लाइट्स। यस बेबी इब्राहिम, यहाँ आओ बेटा, कम हियर। लाइट तो क्या, यहाँ पे जो सेल बॉय था वो हमें डिफरेंट कंपनीज की लाइट्स दिखा रहे थे, और जो स्टैंड के बगैर रिकॉर्डिंग करो उसमें बड़ा मसला होता है, हाथ ही थक जाता है, क्योंकि एक सीन कोई दो तीन दफ़ा तो शूट करना पड़ता है, तो वो ऐसे मोबाइल पकड़े पकड़े बड़ा हाथ दर्द होता था। तो इसलिए मैं जो यही था कि एक दफ़ा स्टैंड आ जाए और इंसान ईजी होके जो है रिकॉर्डिंग करे तो वो ज़्यादा सही है। बाकी अब आप लोग देखेंगे आगे सीन्स में, आगे जो नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे उसमें देखेंगे, आप लोग मुझे बताना कि कोई इम्प्रूवमेंट लग रही है कि क्या, इससे फ़र्क पड़े। और लाइट से भी अच्छा है कि लाइट भी आ गई है, तो उससे ज़्यादा अच्छा है प्रॉपर एक लाइटिंग हो तो वो वीडियो ज़्यादा सही रहती है। वैसे तो लाइटिंग का मुझे इतना इशू नहीं था, मुझे ज़्यादा जो मसला था वो स्टैंड का ही आ रहा था कि मेरे पास स्टैंड होना चाहिए, बट एक प्लस पॉइंट हो गया है कि उसके साथ लाइट थी, तो हमने कहा चलें जी वेल एंड गुड, स्टैंड के साथ लाइट हो जाती है तो और अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा बट हुआ क्या कि जब उन्होंने सारा हमें स्टैंड और ये लाइट हमें दे दी, तो एकदम राहील के माइंड में आया कि एक दफ़ा इसे फ़िक्स करवा के देख लेते हैं। तो जब हमने फ़िक्स करवाने लगे तो वो स्टैंड के साथ वाली लाइट थी नहीं, वो स्टैंड किसी और लाइट का था। ऊपर मैं इसका पूछ रहा था, ये इसको ऊपर फिक्स होगा। इसका साइज और है, उसका साइज और है। डिफरेंट साइज है। अच्छा वो अभी देखने खर्चा कितना में मसला होना था। और जी मैंने तो बहुत ही शुक्र किया कि हमने जो है उस वक्त देख लिया था, अगर हमने उस टाइम ना उन्हें फ़िक्स करने का कहा होता तो फिर घर आके हम जो है इसको देखते हुए बड़ा फिर बड़ा मसला होता, क्योंकि ये जो मॉल है ये हमारे घर से काफ़ी दूर है और डेली तो बाहर निकला नहीं जाता, राहील ऑफिस से बड़े थके हुए आते हैं तो फिर डेली हम बाहर नहीं जाते। तो खैर उन्होंने फिर स्टैंड चेंज किया, दूसरा स्टैंड हमें फ़िक्स करके दिया जो इस लाइट के साथ सही सेट हो गया था।
लेकिन हमने आते उनसे कहा था कि इसे दोबारा ओपन कर दें क्योंकि आते हुए ये ना ओला ना करे लाइट रास्ते में ना टूट जाए। तो घर आकर राहिल ने इसे असेंबल किया था। ये हमने ले लिया है रिंग लाइट एंड ट्राइपॉड स्टैंड। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड। चलें। ये रिंग लाइट लिए और ये इसके सारे स्पेसिफिकेशंस हैं एंड इसके साथ जी ये है ट्राइपॉड स्टैंड। तो इसे अभी अनबॉक्स करते हैं फिर देखते हैं कि ये कैसा है, फिक्स करके कैसा लग रहा है। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ये थोड़ी सी छोटी है लेकिन चलो घर का ही यूज है तो वहाँ पे थोड़ी मिला था कि थोड़ा बड़ा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे तो बस ये है कि लाइट सलामत रहे। इब्राहिम भाई ने एक दफा गिराना है तो लाइट का काम तमाम हो जाए। अल्लाह करे इसकी लंबी उम्र इब्राहिम के हाथों से बचा रहे। शरारतों से बच जाए। अच्छा लगेगा इसके। ये क्या है? USB powered है और ये I think इसके mode वगैरह change करने के लिए color और intensity जो है। ऐसे दिखाएं। ये on off है। ये light dim और bright है और ये I think color change होगा इससे। सही। तो अब इसका जो है tripod open करके इसमें देखते हैं क्या। वाह यार ये तो बुर्ज खलीफा ही बन गए। वाह जबरदस्त है ये तो ना काफी इसकी अच्छी हाइट है। जी तो यूएस फाइनली मैंने इसे सक्सेसफुली अटैच कर ली है और बस थोड़ा सा टेक्निकल है फर्स्ट टाइम यूज की वजह से समझ नहीं आ रही थी और एक्चुअली वहां पे भी उसने हमें अटैच करके दिया था तो इसलिए ज्यादा आइडिया नहीं हुआ था लेकिन डर था कि घर लाते हुए टूट ना जाए इसलिए हमने इसे दोबारा ओपन कर लिया था। तो दोबारा असेंबल किया। अब इसे ओन करके देखते हैं। ये एक्चुअली यूएसबी पावर्ड है तो कोई मोबाइल चार्जर वगैरह लगाना पड़ेगा या लैपटॉप से डायरेक्ट पावर सॉकेट की इसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये देखते हैं लगा के। ऑलराइट व्यूअर्स हमने पावर कनेक्ट कर ली है तो ऑन करके देखते हैं। लेट्स सी आई थिंक आई नीड टू टर्न ऑन फ्रॉम हियर। हां यहां से लाइट आ गई है। इनके इसमें तो लाइट आ गई है। ओ वाओ लाइट जो कम ज्यादा भी हो रही है और उसका लाइट का कलर भी चेंज हो रहा है शेड चेंज हो रहा है। आई थिंक ये ब्लू लाइट ही बेहतर है सबसे। मोबाइल ऐसे आएगा। ठीक
चलें, आई थिंक इट्स ओके। और इसमें ये रिमोट भी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है मोबाइल के साथ, अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं तो पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करने के लिए। लेकिन इसकी बैटरी अभी हमारे पास नहीं है, तो बैटरी लगा के देखेंगे फिलहाल, तो इसे ऐसे ही रख देते हैं। okay. इसमें एंड्रॉयड और एप्पल आईओएस दोनों की सपोर्ट है। सही।